कॉजेज ऑफ मेजर डिप्रेसिस्सॉर्डर सोशल सो अब हम ये देखेंगे कि हाउ द सोशल इन्वामेंट कैन एफेक्ट एनी वन कि उसको डिप्रेशन हो जाएगा या उसको डिप्रेशन हो सकता है कौन से कॉजेज़ हैं इसके अंदर मल्टीपल कॉजेज हैं हम फ्यू जो हैं उनको डिस्कस करेंगे जिसमें से नंबर वन जो है लैक ऑफ सोशल सपोर्ट है जो सोशल सपोर्ट है दैट प्लेड अ वाइटल रोल इन वनस लाइफ कैसे क्योंकि अगर एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस यू हैव अ सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स यू हैव अ सपोर्ट फ्रॉम योर सिबलिंग्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स तो इट इज़ लेस लाइकली कि आप डिप्रेशन के अंदर जाओ क्योंकि वो जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपको होल्ड करेगा और आपको मोटिवेट करेगा टू वर्ड्स कन्फ्रेंटिंग द प्रॉब्लम्स टू वर्ड्स मूविंग फॉरवर्ड टू इन द लाइफ ठीक है तो अगर लैक ऑफ सोशल सपोर्ट होगा तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा डिप्रेशन में बिकॉज द पर्सन इज़ फीलिंग दैट ही और शी माइड कैन नॉट गेल्प एनी हेल्प फ्राम एनी वन ठीक है तो जब वो उसको ये फील होगा कि उसे कहीं से कोई हेल्प ही नहीं मिल सकती तो वो जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग है वो उसके अंदर जनरेट होगी जिसकी वजह से डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं दैन लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन अब लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड लैक ऑफ सोशल स्किल्स आर इंटर रिलेटेड अब ये किस तरह इंटर रिलेटेड हैं Uh, it might possible कि इट माइट पॉसिबल कि सोशल स्किल्स नहीं हैं कोई शख्स किसी के साथ इंटरेक्ट करने की एबिलिटी उसके अंदर लिमिटेड है जिसकी वजह से उसके सोशल इंटरेक्शनस जो हैं वो लिमिटेड हो गए हैं अब ये भी मुमकिन है कि सोशल स्किल्स अप्रोप्रिएट हैं लेकिन वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वहाँ पर सोशल इंटरेक्शन करने के उसके पास चांसेज़ ही नहीं है जिस तरह पेरेंट्स को पसंद ही नहीं है कि बच्चा फ्रेंड्स बनाए ठीक है तो माइट बी ड्यू टू दैट एलिनेशन के वो बच्चा जो है वो डिप्रेशन के अंदर चला जाए देन पावर्टी पावर्टी एक बहुत बड़ा कॉज होती है डिप्रेशन के लिए क्यों क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से बच्चे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाते या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर, कर पाते तो वो एक तरह से सेंस ऑफ डप्रीवेशन जो है वो सर्टन टाइम जो बच्चे को है वो डिप्रेशन की तरफ आ, ले जाती है तो पावर्टी एक आ, बड़ा रीज़न डिप्रेशन के अंदर डिस्कस किया जाता है देन द माइग्रेशन माइग्रेशन इज़ द स्टेज जहाँ पर आ, जो बच्चे हैं या जो फैमिली है वो पूरी मूव करती है टूवर्ड्स एन अदर प्लेस जिसके अंदर आप अपना घर चेंज करते हो बच्चा अपना स्कूल चेंज करता है बहुत से इकनॉमिक जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आप फेस कर सकते हो एक पूरी लाइफ को आप वाइंड करके दूसरी लाइफ के अंदर मूव करने की कोशिश करते हो तो इस दौरान जो चीज़ें छोड़ी जाती हैं उनका जो लॉस है वो सर्टन टाइम डिप्रेशन जो है वो ट्रिगर कर सकता है बच्चों के अंदर ठीक है तो इट कैन बी अ वन अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर और उसके बाद आप जिस जगह पे जाते हो या मूव करती है फैमिली अगर वहाँ पर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़े रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या एथनिक डिस्क्रिमिनेशन तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन होने के चांसेस जो हैं वो बच्चे के अंदर ज़्यादा हो सकते हैं